ग्रीन मिनी टेस्टी मिनिएचर में आपका स्वागत है। आज हम वेजिटेबल बिरयानी बनाने वाले हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्थी होती है। आजकल बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं। बच्चों को वेजिटेबल खिलाने के लिए वेज बिरयानी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। सबसे पहले हम चावल को वॉश करेंगे। उसको अच्छे से वॉश करके 15 मिनट तक चावल को भीगने देंगे। जब तक चावल भीगते हैं हम कटी हुई वेजिटेबल्स को एक बाउल में डालेंगे और उनको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए एक बाउल में वेजिटेबल्स डालते हैं फिर उसको मैरिनेट करते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हल्दी डालेंगे और दही डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट तक रख देंगे। जब तक वेजिटेबल मैरिनेट होते हैं तब तक हम बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। एक पैन में ऑयल डालेंगे। फिर उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। को थोड़ा हल्का सा सिकने देंगे। फिर उसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, उसको थोड़ा चटकने तक सेकेंगे। वाओ, मसाले की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जीरा तड़कने के बाद हम उसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा चलाएंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकने देंगे। फिर उसमें कटा हुआ आलू डालेंगे, इसको थोड़ा चलाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद में उसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो फिर से थोड़ा अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद उसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, उसके बाद हम मैरिनेट किया हुआ वेजिटेबल्स डालेंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ा उसको अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। अब उसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
मसाला थोड़ा पकने के बाद फिर उसमें हम दही डालेंगे। दही डालकर मिक्स करेंगे। उसके बाद मटर डालेंगे। मटर डाल के मिक्स करेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। फिर उसमें हम कटा हुआ रेड और येलो कैप्सिकम डालेंगे। उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद उसमें हल्का सा पानी डालकर उसको पकाएंगे। वाओ, इतने ब्यूटीफुल कलर्स आ रहे हैं। अब उसमें हम पानी डालकर उसको जलाकर ढक देंगे। ढककर उसको 7-8 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारे वेजिटेबल्स पककर रेडी हैं। उसको हम गैस बंद करके एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में पानी डालेंगे। नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पानी को बॉईल होने तक गरम करेंगे। बॉईल होने के बाद में उसमें हम भीगा हुआ चावल डालेंगे। चावल को 80% तक बॉईल करेंगे। हमारे चावल 80% तक पक चुके हैं। अब हम इसको एक छलनी में छान लेंगे। चावल छानने के बाद में हम वेजिटेबल्स और चावल की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले हम चावल डालेंगे। फिर उसके ऊपर वेजिटेबल डालेंगे। फिर हम उसके ऊपर चावल की लेयर लगाएंगे। उसके ऊपर हम कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद में उसके ऊपर हम थोड़ा घी डालेंगे। घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसको हम ढक देंगे। फिर हम उसको 10 मिनट तक हल्की आंच पर भाप में पकाएंगे, जिससे हमारा चावल एकदम खिला खिला बनता है। हमारी बिरयानी पककर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वेज बिरयानी अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई कीजिए। अब हम दही के साथ उसको सर्व करेंगे। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।